नमस्कार, हम लोग पहुंचे हैं आज तिलपत, महाभारत कालीन इस गांव में जहां हम खड़े हैं उसके ठीक पीछे बाबा किशोरीदास सूरदास बाबा थे, उनका मंदिर है, उनका समाधि स्थल है। हम लोग आज आपको दिखाएंगे इस गांव की प्राचीनता के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। कहानी है कि जब पांडवों ने कौरवों से अपना राज्य मांगा तो उनकी डिमांड थी कि आधा राज्य उन्हें दिया जाए, लेकिन अगर आधा राज्य ना दिया जाए तो केवल 5 गांव दे दिए जाएं और उन 5 गांवों के माध्यम से वो अपना गुजर बसर कर लेंगे। ये जो तिलपत है ये उन्हीं 5 गांवों में से एक गांव है, सोनीपत, पानीपत, बागपत, तिलपत और श्रीपत। जी, जानने की कोशिश करेंगे यहाँ तिलपत के लोगों से कि कैसा लगेगा उन्हें अगर इस ज़िले का नाम बदलकर तिलपत कर दिया जाए। जी, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम होराम है और महाकालीन महाराज से नाम है। पांडवों ने जब भगवान श्री कृष्ण सुलह करने आए थे, जब उन्होंने कहा था कि 5 गांव हमको दे दो, 5 गांव हम दो, उसमें तिलपत भी है और 3 जिले जो है 3 जिले बन चुके हैं और हमारे 4th गांव भी पांडवों का गांव है, बनना चाहिए जिला। लगातार बहस चल रही है शहर में कि फरीदाबाद का नाम बदलकर तिलपत कर दिया जाए, तो क्यों? इसलिए कि जिस समय कौरव पांडवों का युद्ध था तो ठाकुर जी कृष्ण भगवान कौरवों के पास गए थे, उनसे 5 गांव मांगे थे जिनमें से एक गांव का नाम तिलपत भी है। तो इस नाते हम तो चाहते हैं कि जब उस काल का बात चली आ रही है तो तिलपत जिला ही होना चाहिए, फरीदाबाद की जगह तिलपत ही होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? क्या शुभ नाम? मेरा नाम प्रमोद शर्मा है जी। तो मैं भी इनकी बात से सहमत हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब पांडवों के काल से ये बात चली आ रही है तो इस वजह से इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, पिछली पुरानी अपनी सब वो क्या कहते हैं इतिहास को रखते हुए, तो ये लोगों ने निर्णय लिया है कि फरीदाबाद का नाम बदल के तिलपत रख दिया। आप क्या सोचते हैं? क्या शुभ नाम आपका? हमारा बसंत कुमार नाम है और जो महाराज जी ने कहा है वो सत्य है और जो महाभारत काल से जो स्थापना हो गई वो उसी आधार पर रहना चाहिए, फरीदाबाद नहीं। तब 500 साल पुराना जो नाम है, 400 साल पुराना जो नाम है वो नहीं होना चाहिए, 5000 साल पुराना जो नाम है वो होना चाहिए। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, तो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य है उसे साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये पंक्तियां ली गई हैं रश्मि रथी से और रश्मि रथी की रचना की रामधारी सिंह दिनकर ने। जिन 5 गांवों का उल्लेख किया है उन्हीं में से एक गांव तिलपत में आज हम लोग खड़े हैं और जानने की कोशिश करेंगे इस गांव की ऐतिहासिकता। हमारे साथ हैं पूर्व विधायक ललित नागर जी और उनके साथ भी हम बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस पर क्या सोचते हैं। नागर जी, अभी इस शहर में एक बहस चल रही है कि फरीदाबाद का नाम बदलकर जिला तिलपत कर दिया जाए, क्या सोचते हैं आप, क्या विचार रखते हैं? बहुत बढ़िया सोच है, बहुत बढ़िया है। हमारे ये बहुत पुराना मंदिर है, कौरव पांडवों के समय का चला आ रहा है और यहाँ बाबा सूरदास जी हुए थे, उनकी ये नगरी है और उन्हीं की ये समाधि है, बहुत पुराने हैं, पूरा एरिया हमारा उनको मानता है और उनके नाम से अगर कुछ होता है तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। आप क्या समझते हैं? फेसबुक पर बड़ा दिखते हैं आप। धन्यवाद। हमारा गांव तिलपत ऐतिहासिक है, पांडवों का है, हमें गर्व है। श्री भगवान कृष्ण ने 5 गांव जो मांगे थे कौरवों से उसमें हमारा गाँव तिलपत है, तो इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं, कोई तोड़ ही नहीं। मतलब फरीदाबाद जिले में मैं कहूं तो अगर ऐतिहासिक गांव है प्राचीन तो तिलपत है। बहस है कि 5000 साल पुराना नाम होना चाहिए या 500 साल पुराना नाम होना चाहिए। ये तो श्री कृष्ण भगवान के टाइम का है जी, ये गांव हमारा उन्होंने मांगा था, कौरवों से मांगा था कि 5 गांवों में तिलपत गांव को दिया जाए पांडवों के लिए, तो ये तो ऐतिहासिक है, श्री कृष्ण भगवान जी के टाइम का है, तो ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए, तो ये तो लेट है। अगर ये जिले की बात हो रही है तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हमारे साथ
तिलपत के सरपंच नंद किशोर जी मौजूद हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। सरपंच साहब, इस समय पूरे शहर में एक बहस चल रही है कि इस ज़िले का नाम बदलकर फरीदाबाद से तिलपत कर दिया जाए। जी जी, होना चाहिए, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जो जिन्होंने भी आवाज़ उठाई है, बहुत अच्छी बात है, पूरा गांव हर समर्थन में है पूरी तरह से। ये तो पूरा एरिया पूरा सभी जानते हैं, NCR दिल्ली नोएडा सभी जगह से लोग आते हैं। भगत बाबा के नाम से प्रसिद्ध कौरवकालीन कौरव पांडवों के टाइम का गांव है। मंत्री जी ने, कृष्णपाल जी ने गोद ले रखा है गांव। जी हाँ, मंत्री जी का बहुत सहयोग रहा, बहुत अच्छे काम हुए हैं, बहुत जो सर लगभग पूरे हो चुके हैं, खास कार्य। हाँ, ये बहुत अच्छे काम हुए, बहुत अच्छे। रोल मॉडल है एक, इस गांव को एक आदर्श गांव के रूप में प्रस्तुत किया गया। हाँ जी, हुआ बना बन गया है। हाँ जी, स्टेडियम बना। हाँ जी, बहुत अच्छा। क्या क्या काम? स्टेडियम बनाया, मेन रोड बनाया और मंदिर का द्वार, वो तो मंदिर द्वारा बनाया जा रहा, मंदिर के पास हॉल बना है और जो नालियाँ गलियाँ जो काफ़ी अच्छे सारे काम हुए। तो अब ये जिला बन जाए, जिले का नाम इस नाम पर रख दिया जाए, तिलपत के नाम पर रख दिया जाए। मेरा नाम ललिता प्रसाद है, गांव तिलपत है, मंदिर की सेवा में रहते हैं। आपने पूछा कि कैसा लगेगा, हमारा गाँव प्राचीन काल से है, आदिकाल से है और जो कौरवों के लिए, कौरवों से जो कृष्ण भगवान ने 5 गांव मांगे थे उनमें से एक गांव ये तिलपत गांव भी है। और ये गांव जब बाबा आया तो उसके बाद यहां गांव में दिन दूर रातों की तरक्की हुई। जैसे कि सरकार ने इस्लामिक नामों को शहरों का गांवों के इस्लामिक नाम बदल करके अपने देश के नाम पर अपने किसी नामों को बदला जा रहा है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे गांव का भी नाम ऊंचा हो। और जैसे फरीदाबाद का सुना है हमने, एक फरीद खां बाबा हुए थे उनके नाम पे फरीदाबाद पड़ा, जिला बन गया। जहांगीर का खजांची होता था फरीद खां, फरीद खान जी जो सुना है हमने, तो उसके नाम पे ये फरीदाबाद नाम पड़ा। तो जाते जब ये कृष्ण भगवान ने जो 5 गाँव मांगे उनमें से एक गाँव है, सोनीपत जिला बन गया, पानीपत जिला बन गया, तो बागपत बन गया, तो ये भी हमारा तिलपत गांव में जिला बन जाए, बड़ी खुशी की बात है। और हम सरकार से प्रार्थना करते हैं तो इस ओर ध्यान दें, गुजारिश है हमारी कि तिलपत को अगर नाम बदल दें तो इसका तिलपत का। मांग ये है कि 500 साल पुराना जो शहर है, 500 साल पुराना जो नाम है, उसे 5000 साल पुराने नाम से रिप्लेस कर दिया जाए। 5000 साल पहले जो नाम होता था उस नाम को बदल दिया जाए, उस नाम को लागू कर दिया जाए, डिमांड है। पूरे शहर में इस समय एक बहस शुरू हो गई है कि फरीदाबाद का नाम पांडवों के समय के इस तिलपत गांव के नाम पर रखा जाए या फरीदाबाद को बसाने वाले फरीद खान के नाम पर रखा जाए।